गुड मॉर्निंग. आपण पुन्हा एकदा एसटीएम चा जो काही रिमेनिंग पार्ट आहे तो आज बघणार आहोत. एसटीएम चा थर्ड युनिट आपण स्टार्ट केलेला आहे. आपण केनिक थॉमसच्या ज्या फाईव्ह स्टाईल्स आहेत कॉन्फ्लिक्ट रिझोल्युशनच्या तिथपर्यंत आलोय. तर कॉन्फ्लिक्ट कशामुळे तयार होतात, क्रिएट होतात आणि ते रिझॉल्व्ह कसे केले पाहिजेत याचे आपण चार पर्याय बघितले आणि शेवटी त्यांनी त्यामध्ये काही स्टाईल्स दिलेल्या आहेत कुठल्या स्टाईलने आपण कॉन्फ्लिक्ट दूर करू शकतो. बऱ्याचदा आपल्या घरामध्ये कॉन्फ्लिक्ट होतात आणि काही लोकांचं नेचर कसं आहे त्यानुसार ते कॉन्फ्लिक्ट रिझॉल्व्ह करतात. बरेच लोक निग्लेक्ट करतात, अवॉइड करतात. ते अवॉइडन्स कसा केला जातो तर जर आपण सेल्स अँड डिस्ट्रीब्युशन मॅनेजमेंट बघतो तर त्यामध्ये जर अवॉइड करायचे असतील काही इश्यूज तर ते केनिक थॉमसने कशा पद्धतीची त्याची स्टाईल आहे काम करण्याची. प्रत्येकाची काम करण्याची पद्धत वेगळी. बघा तुम्ही जेव्हा काम करता जेव्हा प्रॉब्लेम्स येतात मग तेव्हा ते प्रॉब्लेम्स तुम्ही कसे सॉल्व्ह करताय. बरेच कामामध्ये खूप इश्यूज असतात, रोजच्या रोज डेली तुम्हाला त्याचा सामना करावा लागतो. तसंच इथे सुद्धा त्यांनी केनिकने काही गोष्टी सांगितल्यात आपल्याला. त्यामध्ये आपण हे फाईव्ह इश्यूज सॉल्व्ह म्हणजे कशी स्टाईल कुठली आहे त्याची, अवॉइडन्स, अग्रेशन, अकोमोडेशन, कॉम्प्रोमाइज, कोलॅबोरेशन. तर हे आपण मार्केटिंग मध्ये मला वाटतं सर्व्हिस मार्केटिंग मध्ये कॉम्प्रोमाइज करणं वगैरे हा प्रकार बघितलाय. तरी सुद्धा आपण यामध्ये डिटेल बघणार आहोत. तुम्ही बघू शकताय, बघा ही डायग्राम दाखवलेली आहे म्हणजे कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे फाईव्ह स्टाईल्स दिलेल्या आहेत. इग्नोरिंग अदर्स पोझिशन, कॉम्प्रोमाइजिंग, कॉम्पिटिटिव्ह, नंतर इन्सिस्टिंग. हे बघा इथे इन्सिस्टिंग हे थोडस ब्लर झालेली डायग्राम. इन्सिस्टिंग ऑन ओन पोझिशन, त्यानंतर कोलॅबोरेटिव्ह, कॉम्प्रोमाइजिंग, इथे कॉम्पिटिटिव्ह, इग्नोरिंग अदर्स पोझिशन, इथे दिलंय मेकिंग कन्सेशन्स, अकोमोडेटिंग, ऍक्सेप्टिंग अदर्स पोझिशन. नाउ लेट्स सी फर्स्ट वन अवॉइडन्स. डायग्राम नाही कळली तरी चालेल. डायग्रामचं तसं एवढी काही नेसेसरी नाही. तुम्ही फाईव्ह स्टाईल्स मध्ये हे जे पॉइंट आहेत हेच डायग्राम मध्ये काढलेत ना, ड्रॉ केले अवॉइडन्स वगैरे तरी सुद्धा चालते. अवॉइडन्स इज युज बाय द वीक ऑर डिसइंटरेस्टेड मेंबर्स ऑफ द चॅनल अँड मेंबर्स हु कॅनॉट सॉल्व्ह प्रॉब्लेम ट्राय टू अवॉइड ऑर इग्नोर द प्रॉब्लेम. सोल्युशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज पोस्टपोन ऑर अवॉइडेड. समटाइम्स काय होतं की आपल्याकडे त्याच्यावर लागलीच सोल्युशन नसतं. एखादा इश्यू जर क्रिएट झाला ना चॅनल मेंबर्स असते आणि काय होतं की ते अवॉइडन्स करणं हा प्रकार त्यामध्ये येतो. मग आपल्याकडे सोल्युशन नाही ना, मग आपण कसं करणार की पोस्टपोन करणार, बघूया उद्या, बघूया परवा, बघूया असं जे काही मी अवॉइड केलं जातं त्या गोष्टीला. लागलीच तुम्ही हातात तो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करायला घेत नाही जोपर्यंत तुम्हाला त्यावरचे सोल्युशन भेटत नाही. इग्नोर करतात त्याकडे, थोडं दुर्लक्ष केलं जातं. अग्रेशन हा जो पार्ट आहे, अग्रेशन इज यूज बाय द सेल्फिश मेंबर्स हू ओनली थिंक ऑफ सेल्फ गेन ऑर पर्सनल मोटिव्स विथ नो केअर फॉर अदर्स. दे कंटिन्यू टू वर्क इन द मॅनर दे बिलीव्ह इन द बेस्ट इन देअर इंटरेस्ट विदाउट बोदरिंग अबाउट द इम्पॅक्ट ऑन द अदर चॅनल पार्टनर्स. म्हणजे इथे काय असतं की ही जी स्टाईल आहे ही कशी असते की तुम्ही तुमच्यामध्येच खूप इंटरेस्ट आहे तुमचा, तुम्हाला बाकीच्यांवर तुमच्या ऍक्टिव्हिटीचा काय इम्पॅक्ट होतो याकडे तुमचं फार लक्ष नसणार आहे. म्हणजे तुम्ही सेल्फिश मेंबर आहात असं म्हटलं. आणि अग्रेशन म्हणजे तुम्ही तुमच्या कामामध्ये पुढे जात राहता, कोणाचंही बॉदरिंग किंवा कोणाचंही बर्डन घेत नाही. बरेच लोक असे असतात मी करतो तेच करेक्ट आहे आणि मग तुम्ही बोदरिंग नाही येत म्हणजे काय की तुम्ही लोडच घेत नाही कुठल्या गोष्टींचा. माझी एखादी ऍक्टिव्हिटी चुकीची झाली तर दुसऱ्या चॅनलवर त्याचा काय इम्पॅक्ट होणार आहे, कारण तुम्ही स्वतःमध्ये इंटरेस्ट दाखवता. पर्सनल मोटिव तुमचे असतात, सेल्फ गेन असतात आणि सेल्फिश मेंबर असता तुम्ही, म्हणून तुम्ही तुमच्या वर्क मध्ये कंटिन्यू राहता. अग्रेसिव्ह असे पर्सन असते ही एक स्टाईल आहे. म्हणजे कॉन्फ्लिक्ट रिझोल्युशन कसं करायचं, मी लक्षच देणार नाही कोणाकडे, मला जे वाटतं ना मी करेक्ट आहे मी तेच करेन. ओके ना, म्हणजे ही एक स्टाईल झाली. थर्ड थिंग काय आहे, अकोमोडेशन. अकोमोडेशन इज अ सोल्युशन थ्रू सरेंडर. इन अकोमोडेशन वन चॅनल मेंबर अलाउज द अदर पार्टी टू अचीव गोल्स विदाउट बिंग कन्सर्न अबाउट हिज ओन इंटरेस्ट. म्हणजे इथे सरेंडर करणं म्हणजे काय, हार मानणं एक प्रकारे.
सरेंडर केलं एखाद्या आरोपीने सरेंडर करणं म्हणजे काय केलं कबूल केलं म्हणा किंवा त्याने तुम्हाला परमिशन दिली अलाव केलं की तुमचे गोल्स तुम्ही अचीव करा दुसऱ्या मेंबरला त्याने अलाव केलं म्हणजे सरेंडर केलं एक प्रकारे आणि चॅनल कॉन्फ्लिक्ट चॅनल रिझोल्यूशन करून टाकलं म्हणजे टेन्शनच नको काय असेल नसेल ते तुम्ही तुमच्या मर्जीने करू शकता तुमच्या इंटरेस्टने तुम्ही तुमचं ऍक्टिव्हिटी कम्प्लीट करू शकता सरेंडर करणं दॅट मीन्स अकॉमोडेशन ओके ना कॉम्प्रमाइज करणं तुम्ही तर बऱ्याचदा म्हणाल मॅडम हा वर्ड म्हणजे माझ्या लाईफ मधलं सगळ्यात जास्त वेळा येणारा वर्ड आहे मला बऱ्याच वेळेस कॉम्प्रमाइज करावं लागतं म्हणजे नक्की काय करावं लागतं तर इथे सांगितलं इट इज अ सिच्युएशन इन विच बोथ द पार्टीज सॅक्रिफाइस टू गेट अ मिडवे सोल्युशन ऑफ द प्रॉब्लेम दे कॉल फॉर मीटिंग्स अंडरस्टँड द नेचर ऑफ द प्रॉब्लेम अँड गेट अ सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम म्हणजे इथे काय केलं जातं सॅक्रिफाइस करणं मिडवे सोल्युशन काढायचं कधी कधी तुमचा एका दोन्ही पार्टीचा थोडा थोडा लॉस पण झाला तरी चालेल पण एक मिडवे काढायचा त्यातून कुठला प्रॉब्लेम क्रिएट झाला कि मग त्याच्यावर डिस्कशन करण्यासाठी तुम्ही मीटिंग बोलवता किंवा ते प्रॉब्लेमचं नेचर म्हणजे कशा टाईपचा प्रॉब्लेम आहे तो काय त्याच्यामुळे लॉस होतो तर तो आपल्याला रिसोल्युशन करायचं तर मग कॉम्प्रोमाइज करा सॅक्रिफाइस करा दोन्ही पार्टी दोन्ही चॅनल मेंबर्स ओके ना मिडवे शोधून काढणं कोलॅबोरेशन म्हणजे काय आहे की इथे तुम्हाला सहकार्य करणं ज्याला म्हणतो की कोलॅबोरेशन मध्ये काय सांगितलं दिस इज द मोस्ट प्रोफेशनल वे टू फाइंड अ सोल्युशन टू एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे हा प्रोफेशनल वे आहे कोलॅबोरेशनचा सहयोग असणं मतलब की आहे की द पार्टीज इन कॉन्फ्लिक्ट ब्रेनस्टॉर्म ऑन द प्रॉब्लेम एरियाज अँड गेट अ सोल्युशन विच इज प्रॉफिटेबल टू बोथ द पार्टीज इट इज विन विन सिच्युएशन वेअर बोथ द पार्टीज गेन थ्रू द अप्रोच म्हणजे काय की इथे इन रियालिटी अवॉइडन्स अँड अग्रेशन आर नॉट सोल्युशन टू रिझॉल्व एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट त्यांनी पुन्हा एकदा सांगितलंय कोलॅबोरेशन हा प्रोफेशनल वे आहे ज्याच्यामध्ये काय केलं जातं की दोन्ही पार्टीज कशा प्रॉफिट मध्ये राहतील असं एखादं सोल्युशन काढलं जातं म्हणजे ही विन विन अप्रोच आहे आणि अवॉइडन्स किंवा अग्रेशन जे यापूर्वी आपण पाहिलं की एखाद्या प्रॉब्लेमला अवॉइड करणं किंवा पोस्टपॉन करणं किंवा अग्रेसिव्ह राहणं आपण आपल्याच इंटरेस्टने काम करणं हे काही कॉन्फ्लिक्ट रिझोल्युशनचे प्रकार असू शकत नाही पण यामध्ये सांगितलंय की इन्व्हॉल्वमेंट त्या चॅनल मेंबर्सची कशी आहे त्यावर ते डिपेंड करतं की आपण कुठल्या पद्धतीने प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करू शकतो काही लोक ऐकण्याच्या मनस्थितीतच नसतात मी जे बोलतो तेच करे असं जर एखादी पार्टी म्हणत असेल तर कोलॅबोरेशन होण्याचा काही चान्सच राहत नाही बरोबर ना म्हणजे इथे आपल्याला हे जे केनिथने जे थॉमस केनिथ थॉमसने ज्या स्टाईल सांगितल्या त्या पद्धतीने आपण कॉन्फ्लिक्ट घालवू शकतो ओके आता चॅनल मेंबर्सला मोटिवेट करायचंय बघा कारण मोटिवेशनची गरज आहे त्यांच्यातही कॉन्फ्लिक्ट होत आहेत आणि ते कॉन्फ्लिक्ट पण काढायला वेळ जाणार आहे तर मग त्यांना मोटिवेशनची गरज पडते मोटिवेशन कसं दिलं जातं तुम्हाला चॅनल कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करायचे तर मग तुम्ही रेफरंट पॉवर युज करा मोटिवेशन कसं दिलं जातं इट इज द इमेज ऑर रिकॉग्निशन दॅट कंपनी एन्जॉयज इन द मार्केट अँड सच पोझिशन गिव्ज द कंपनी पॉवर ऑफ रेफरन्स मेंबर्स फील प्राऊड टू बी असोसिएटेड विथ सच अ कंपनी अँड इट नॅचरली मोटिवेट्स देम टू बी असोसिएट विथ द कंपनी कंपनीज लाईक ITC, HUL, Bisleri, Sony and many others enjoy referent power. क्या पे क्या बताया देखो referent power यानी reference, recognition, image. ये words क्या कहते हैं कि कंपनी की जो image market में है उसे हम refer कर रहे हैं वहां पे अगर हम लोग काम कर रहे हैं उसके लिए काम कर रहे हैं वो जो channel है channel members को motivate किस तरह से किया जाता है तो अगर आपकी कंपनी की मार्केट में इमेज अच्छी है उसके उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छी तरह से है पॉपुलर कंपनी है उसकी पावर जो है पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी तरह की है तो उसका जो रेफरेंस है मतलब मेंबर्स फील प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद सच अ कंपनी ऑटोमेटिकली वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं कि मैं किस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ रेफरेंस कंपनी का नाम बता रहे तो कंपनी का नाम तो बहुत बढ़िया उन्होंने ITC और HUL बिस्लरी कंपनी के
नाम दिए कि अगर ऐसे कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ तो शायद ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलता है, रेफरेंस मिलता है उस कंपनी का, हमें आइडेंटिटी मिलती है उस कंपनी की, तो ये रेफरल पावर है जिसकी वजह से मोटिवेशन मिलेगा। अभी एक्सपर्ट पावर किसे कहते हैं कि दैट मींस इट रेफर्स टू सम स्किल्स और कैपेबिलिटी दैट कंपनी पॉसेस व्हिच कैन बी इंपार्टेड टू द चैनल पार्टनर्स। चैनल मेंबर्स कैन दस लर्न मोर अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस एंड हेंस गेट मोटिवेटेड टू बी एसोसिएटेड विद द कंपनी। अभी कुछ कंपनी जो है ना वो क्या करते हैं, स्किल्स प्रोवाइड करते हैं चैनल मेंबर्स को, मतलब कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ स्किल है या अदर जो भी कैपेबिलिटीज है जो कि चैनल मेंबर्स के अंदर होनी चाहिए उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। तो बिजनेस रिलेटेड नॉलेज, टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज अगर आपको मिल रहा है, एक्सपर्ट आप बन रहे हो बिजनेस में, तो ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, मोटिवेशन मिलेगा कि अरे उस कंपनी के साथ अगर मैं काम करूंगा तो मुझे कुछ नॉलेज तो मिलेगा जो मेरे पास नहीं है, तो मैं अपडेट हो सकता हूँ। तो इस तरह से वो क्या करेंगे कि जैसे उन्होंने बताया टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज इन ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन यूज दिस एक्सपर्ट पावर। इस तरह के जो कंपनीज है ऑटोमोबाइल की कंपनीज या इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो लोग क्या करते हैं इस तरह की एक्सपर्ट पावर यूज करते हैं, उनके जो चैनल मेंबर्स है उनको इस तरह से मोटिवेशन दिया जाएगा, उनको स्किल्स जो है उनके इम्प्रूव किए जाएंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा, तो ऑब्वियसली वो मोटिवेट हो जाएंगे। ओके ना, अभी रिवॉर्ड पावर किस तरह की है, रिवॉर्डिंग सिस्टम जो रहती है आप लोगों को पता है ना, अगर किसी चैनल मेंबर ने अच्छा काम किया तो उसे रिवॉर्ड दिया जाता है। तो रिवॉर्डिंग सिस्टम की वजह से ये एक इंसेंटिव है, ये इंसेंटिव सिस्टम कहते हैं इसे। इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना मतलब क्या है कि आपको उत्तेजित करना उस काम के लिए, तो मोटिवेशन मिलता है। मतलब रिवॉर्ड अगर किया मैंने किसी को, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपकी अटेंडेंस फुल है, देखो मेरा जो लेक्चर है ना उसमें स्टार्ट टू एंड जिसकी अटेंडेंस कंपलसरी रहेगी, वो प्रेजेंट रहेगा हर एक लेक्चर में, तो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में क्या आएगा कि इसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो क्या आपके एक्सपेक्टेशन मुझसे क्या है, आप अगर अटेंड कर रहे हो मेरा लेक्चर तो उसके पीछे आपके भी कुछ, आपका भी कुछ इंटेंशन रहेगा ना कि मैडम मुझे इंटरनल मार्क्स अच्छे चाहिए, मेरा परफॉर्मेंस बेटर है, मैं रेगुलर एक्टिविटी करता हूँ, मैं असाइनमेंट कंप्लीट करता हूँ इन टाइम, तो आपके भी मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन है तो वो जरूर कम्प्लीट हो सकते हैं, रिवॉर्ड मैं इस तरह से दे सकती हूँ। तो यहाँ पे भी इस तरह का है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है एज अ चैनल मेंबर, तो आपको रिवॉर्ड किया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा और ये इंसेंटिव्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, तो इसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएंगे आप लोग। लेजिटिमेट पावर ये क्या कहती है, लेजिटिमेट यानी कि यहाँ पे लीगल आपके ऊपर कुछ एक्शंस लिए जाएंगे, यानी कि दिस पावर रेफर्स टू पावर और अथॉरिटी डिराइव्ड बाय कंपनी फ्रॉम एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट साइन बाय द कंपनी विद इट्स चैनल पार्टनर लाइक डिस्ट्रीब्यूटर्स। यहाँ पे एग्रीमेंट्स ही किए जाएंगे, एग्रीमेंट्स के दौरान आपका परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए वगैरह, यानी कि कितने टाइम के लिए वो एग्रीमेंट है, कि वैसे साइन किया हुआ एग्रीमेंट रहेगा, कंपनी ऐसे साइन करवाएगी चैनल में पार्टनर्स के थ्रू, तो यहाँ पे एग्रीमेंट गिव्स द कंपनी लीगल पावर टू एक्सपेक्ट द मेंबर्स टू परफॉर्म एज पर द एक्सपेक्टेशन और मेंबर्स आर ऑब्लिगेटेड टू डू सो। यहाँ पे क्या है कि एग्रीमेंट किया हुआ है ना कि आपको किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस कंपनी के क्या है आपसे एज अ चैनल मेंबर, तो उस तरह का एग्रीमेंट करने के बाद आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी वैसा परफॉर्मेंस करो। अदरवाइज उन्होंने दूसरी भी प्रोविजन कर रखी है कि अगर आपका परफॉर्मेंस ऐसे नहीं हो रहा है तो हम लोग किस तरह से ये एग्रीमेंट क्या कर सकते, क्लोज कर सकते, तो आपके लिए पनिशमेंट भी रहेगी। तो शायद पॉसिबल है यहाँ पे लीगल वे से हम लोग क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, यानी कि आपने एग्रीमेंट साइन किया तो आपकी कंपल्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। ओके ना, यहाँ पे ना ही रिवॉर्ड है ना कुछ और है, तो फिर लेजिटिमेट पावर है। कोर्सिव पावर यानी यहाँ पे जबरदस्ती काम करवाया जाएगा, तो कंपनी किस तरह से कोर्सिव पावर यूज करती है कि बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, लार्ज कंपनीज, तो पावरफुल होने की वजह से, स्ट्रांग पोजिशन के ऊपर होने की वजह से वो क्या करते, बहुत बार उनकी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो कोर्शन करते हैं, यानी कि घबराते हैं जो उनके चैनल मेंबर से, अगर आपने सही से परफॉर्म नहीं किया तो आपके ऊपर ये एक्शन दी जाएगी, आपको मार्केट से निकाल दिया जाएगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। उसमें मैं ये थोड़ा सा बता रही कि इलीगली वो क्या करते हैं कि काम करवा लेते क्योंकि उनकी पावर है मार्केट में,
उनका बिजनेस बढ़िया है, पॉपुलर लोग हैं वो, तो उनसे कौन पंगा लेगा? ऐसा सोच के भी बहुत बार हम लोग अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे, तो मतलब चैनल मेंबर के ऊपर जबरदस्ती है, जबरदस्ती काम करवाया जाता है, तो इस तरह से ये मोटिवेटिंग चैनल मेंबर से। लेकिन ये जो भी कोर्सिव पावर है ये अवॉइड करनी है, इट इज नॉट अ मोटिवेटिंग फैक्टर, ये मोटिवेशन वाला फैक्टर नहीं। आप मोटिवेट होके नहीं काम कर रहे, आप घबरा के काम कर रहे हो, किसी के डर से काम कर रहे हो, तो ये मोटिवेशन नहीं हो सकता, इसको अवॉइड करना पड़ेगा। इट शुड रादर बी रिप्लेस्ड बाय पर्सुएशन व्हिच कैन गेट क्लोजर टू मोटिवेशन। पर्सुएशन यानी कि आपका माइंड रेडी करना पड़ेगा। हमें आपको शायद कभी कभी नींद भी आती होगी लेक्चर में, तो मुझे आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी, आपको क्या करना है कि नींद ही ना आए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइंड सेट करना पड़ेगा, आपका रोल क्या है वो बताना पड़ेगा, उसके बाद आपसे काम करवाना है, यानी कि लेक्चर को आपको सुनना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसमें कुछ क्वेरीज है तो क्वेश्चनिंग करना है या असाइनमेंट्स कम्प्लीट करना है, ये आपका ही काम है, ये कोई घर वाले नहीं कर सकते आपके लिए। आपके लिए क्या कर सकते हो, फीस पेड कर सकते हो, आपका स्टडी नहीं कर सकते, ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा, ये मुझे आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद माइंड सेट किया, मतलब मैंने परसुएशन किया, उसके बाद अगर मैं आपसे काम करवा रही हूँ तो ये जबरदस्ती नहीं होगी। अगर मैंने बताया आपने अटेंड नहीं किया तो मैं आपको मार्क्स नहीं दूंगी, ये जबरदस्ती हो गई ना। जबरदस्ती काम अच्छे से नहीं होता है, तो हमें क्या करना है कि ये मोटिवेशन का फैक्टर नहीं है, तो हमें परसुएशन करना पड़ेगा, उसके बाद हम काम करवा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कस्टमर चैनल मेंबर्स को। Okay. Now see selecting channel partners. How to select? अभी channel partners को select करना है, तो उसमें उन्होंने बताया motivation of channel members can become much easier if the correct channel partner are selected. Partner कौन सा है उसके ऊपर depend करता है कि motivation किस तरह से किया जाएगा. चैनल मेंबर कैन बिकम मच इजियर, मतलब इफ द करेक्ट चैनल पार्टनर आर सिलेक्टेड, मोटिवेशन करना कब इजी हो जाएगा, नो प्रॉब्लम विल अराइज इफ द राइट चैनल पार्टनर इज सिलेक्टेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल पार्टनर अगर सही है तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं। हर काम में कुछ 50% लोग अच्छे रहते, 50% काम ना करने वाले रहते, तो बहुत बार ऐसा नहीं होता है 100% अच्छे पर्सन ही मिलेंगे, चैनल मेंबर भी मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो ऐसे इसे इमेजिन करके उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दिया कि मोटिवेशन किस तरह से हम देंगे, कौन से फैक्टर्स यहाँ पे ध्यान में लिए जाएंगे कि जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे चैनल पार्टनर्स। तो यहाँ पे मार्केट फैक्टर्स है, प्रोडक्ट फैक्टर्स है, चैनल फैक्टर्स है, सोट एनालिसिस है, इनको स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि किस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे चैनल पार्टनर्स को। सो लेट्स सी वन बाय वन। मार्केट फैक्टर्स, इट रेफर्स टू द एग्जिस्टिंग मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट एंड द दिस इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, कंज्यूमर लोकेशन and preferences and the behavior, existence or proportion of industrial or organizational bias. Market factors क्या कह रहे, existing market का structure किस तरह का है, buying और selling के process किस तरह से हो रही है, consumer का location किस तरह का है, वो किस चीज को preference कर रहा है। आप रहते खेड़ में हो, आपको FMCG के products की जरूरत है या electronic products की जरूरत है, बाइंग सेलिंग इस तरह का है कि एज पर सिचुएशन फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, उसमें एग्जिस्टेंस और प्रोपोर्शन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल बायस, यानी कि प्रोपोर्शन बताए इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट्स है उनका सेलिंग किस तरह का है, ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स कौन से है, तो कॉम्पिटिशन की भी जानकारी हमारे पास होगी। मार्केट का स्टडी है ना, तो मार्केट के अंदर सब कुछ आता है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि the role of channel member and therefore also their selection differ depending on the nature and intensity of competition. So competition ka nature pata hona chahiye, intensive competition hai, exclusive hai ya kis tarah ki hai, to intensity ek bar samajh mein aayi, competition ki nature samajh mein aaya, to uske baad hum log kya karenge ki channel members ka selection karenge. Okay,
Now let's see product factors, which refer product characteristics. That means physical properties, technical aspects, life cycle कैसी है, consumer perception क्या कह रहा है, market की position क्या है, product life cycle किस तरह की है. मतलब वो तो ज्यादा important है product factor में कि product अभी कौन सी stage पे है. मेरा product maturity stage पे पहुंच चुका है तो मेरे लिए कौन सा channel सही रहेगा, कौन सा channel मैं choose करूंगी. तो इसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं, selection कर सकते, channel partner का selection कर सकते. Maturity stage पे तो stable हो जाता है हमारा सेलिंग जो है, एट एक स्टेज पे जाके कांस्टेंट हो जाती है. तो कौन सा चैनल पार्टनर मेरे लिए सही है, ये सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा. मार्केट की कंडीशन समझ में आ गई, मार्केट में कौन से कॉम्पिटिटर्स है, वो कौन सी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं. तो उसके बाद प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक कैसे है. अभी थर्ड फैक्टर है कि चैनल फैक्टर्स कैसे है. अभी चैनल फैक्टर्स का भी स्टडी करना पड़ेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी कैपेबिलिटी, कितने लोगों तक वो पहुंच सकते हैं, उनका एरिया कितना बढ़िया हो सकता है, फाइनेंशियली उनकी कंडीशन क्या है, ट्रस्टवर्दीनेस किस तरह का है, रेपुटेशन कैसी है उस चैनल मेंबर की, हर चीज की. मतलब किसी को सिलेक्ट करते वक्त है ना, हम उसका रेपुटेशन भी देखते. अभी क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, किसी एक का रेपुटेशन अगर अच्छा रहा तो शायद आगे जाके फ्यूचर में भी उसको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलते. क्यों, रेपुटेशन अच्छा कैसे बना, वो बनाना पड़ता है. रेपुटेशन बनाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं. अच्छी पब्लिसिटी के लिए आपको बहुत एफर्ट लेने पड़ेंगे. तो एफर्ट्स किस टाइप के होने चाहिए, निगेटिव या पॉजिटिव. पॉजिटिव अगर आपकी पॉपुलैरिटी है तो, पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसका मतलब है कि आपका रेपुटेशन अच्छा है. तो इस तरह का चैनल मेंबर का परफॉर्मेंस देखने के बाद, उनका ट्रस्ट वर्दीनेस देखने के बाद, उनके ऊपर कितना ट्रस्ट कर सकते हैं वो कैसे जानेंगे. तो उनका जो परफॉर्मेंस है, आज तक का उनका जो एक्सपीरियंस है मार्केट का, तो इससे हमें पता चलता है उनकी एबिलिटी, सेलिंग एबिलिटी कैसी है, आफ्टर सेल सर्विस फैसिलिटीज वो किस तरह की प्रोवाइड कर सकते हैं. तो फाइनली ये सब चीजें जानने के बाद हम लोग चूज कर लेते हैं चैनल मेंबर्स को. ओके, सोट एनालिसिस भी करना पड़ेगा, जैसे कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स. मतलब कि डिफरेंट चैनल मेंबर्स में एग्जिबिट डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, वीकनेस इन एग्जिस्टिंग मार्केट एनवायरमेंट. प्रत्येकामध्ये आहे बघा, तुमच्याकडे काही स्ट्रॉंग पॉइंट असतील तर काही वीक पॉइंट पण असतील. प्रत्येक व्यक्तीमध्ये आहेत, इंडिव्हिज्युअल पर्सन मध्ये आहेत. मग तुम्ही कशा पद्धतीचे, मतलब की चॅनल मेंबर्स लाईक डिस्ट्रीब्युटर्स मे शो इनफ अग्रेसिव्हनेस ड्युरिंग मार्केट रिसेशन, सम अदर चॅनल मेंबर्स मे प्रॉस्पर ओनली ड्युरिंग during time. Some channel members like dealers or retailers may be effective in purchasing. म्हणजे काय की तुमचा इफेक्ट कुठल्या कुठल्या सिच्युएशनला कसा आहे, रिस्पॉन्स कसा मिळतो. चॅनल शुड बी सिलेक्टेड आफ्टर इव्हॅल्युएशन ऑल द पॅरामीटर्स ऑफ द अवेलेबल चॅनल्स. चॅनल के अंदर कोण कोण सी एबिलिटीज है, किस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ, मतलब कि किस तरह के प्रोडक्ट सेल करते वक्त आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है. स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स के लिए आपके चैनल मेंबर्स कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं. स्ट्रेंथ, वीकनेस पॉइंट्स या अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को जान सकते हैं. तो यहाँ तक तो आपको समझा ही होगा, ऐसे मुझे समझ रहा है. तो हम आगे चलते हैं, अभी सिलेक्शन प्रोसेस पे चलते हैं. सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह की रहती है, ये अभी हमने इतने सारा स्टडी किया, मार्केट फैक्टर एनालिसिस किए, प्रोडक्ट फैक्टर एनालिसिस किए, चैनल फैक्टर, सोट एनालिसिस किया. इसके अंदर ही देखो, सिलेक्टिंग चैनल पार्टनर्स के लिए हमने ये चारों फैक्टर स्टडी किए. उसके बाद सिलेक्शन की प्रोसेस किस तरह की होगी, चैनल सिलेक्शन चेकलिस्ट. सी नाउ, the selection process requires judgment, foresight and intuition, but it is advisable to follow certain guidelines during selection. जैसे अभी आपका selection करना है किसी job के लिए, तो क्या देखते हैं कि आपकी degree किस type की है, आपको कौन सी grade मिली है, आपका performance कैसा था, आपने कौन सा project किया था, project का title क्या था. सब्जेक्टिव नॉलेज पे दो चार क्वेश्चन पूछेंगे, जनरल नॉलेज पे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन किया जाएगा. ओके ना,
तो यहाँ पे भी अगर चैनल सिलेक्शन करना है तो कुछ गाइडलाइंस दिए कि कौन से चैनल को मैं सिलेक्ट करूँ। तो ये गाइडलाइंस में फर्स्ट बताया कि आपके पास नॉलेज ऑफ मार्केट कितना है, मार्केट का नॉलेज कितना है, लोकल प्रेजेंस कैसा है आपका, मतलब आपका रेपुटेशन कैसा है, रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, आप किस तरह की रिलेशनशिप मेंटेन करते हो, बी प्रोफेशनल, ऐसा हम लोग कहते हैं ना बहुत बार, अगर आप स्टूडेंट हो हम टीचर से तो आपका रिलेशन हमारे साथ हमेशा कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल रिलेशनशिप होने चाहिए, ना कि पर्सनल फैमिली रिलेशंस होने चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि शायद हमने अगर किसी और तरह का रिलेशन डेवलप कर लिया तो जो इंटेंशन मेरा रहता है या मैं जो भी सिखाती हूँ आपका उतना उसमें इंटरेस्ट नहीं बना रहेगा, या आप उस तरह से कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएंगे अगर मेरे फैमिली रिलेशन मैंने आपके साथ बनाया। प्रोफेशनल अगर रहते हैं हम लोग तो शायद मैं जिस इंटेंशन से आपके आपको पढ़ाती हूँ उसका इंटेंशन आपको समझ में आएगा और उस तरह से आप क्या करोगे, परफॉर्म करोगे तो शायद रिजल्ट अच्छे आएंगे। सो बी प्रोफेशनल इस तरह का मतलब कस्टमर के साथ आप किस तरह की रिलेशनशिप मेंटेन करते हो। रेपुटेशन इन मार्केट, आपका मार्केट में रेपुटेशन किस तरह का है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी किस तरह की है, सेल्स एरिया कितना कवर कर सकते हैं, आपकी एबिलिटी कितनी है, सेलिंग स्किल्स आपके अंदर किस तरह के हैं, कॉम्पिटिटिव सर्विस स्किल्स मतलब कि कॉम्पिटिशन अगर बहुत हाई है तो ऐसे हालात में आप किस तरह से डिसीजन लेते हो, आपके अंदर कौन से स्किल्स है, मार्केटिंग सपोर्ट टू मैन्युफैक्चरर, आप सपोर्ट कितना दे सकते हैं सर, मैन्युफैक्चरर के लिए आपका सपोर्ट कितना बना रहेगा, शेयर्ड वैल्यूज एंड कल्चर, आप किस तरह का कल्चर अप्लाई करते हो, इस तरह उन्होंने बताया कि इथिकल प्रैक्टिसेस आप अप्लाई करते हो, नेसेसरी लीडरशिप स्किल आपके अंदर है एज अ चैनल मेंबर चैनल पार्टनर तो चैनल को सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब ये गाइडलाइन है, ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये सब देखने के बाद आपको फाइनल करना है अगर इसमें से आपके कितने पॉइंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इसमें से आप अगर 10-11 तक पहुंच रहे हैं मतलब मैक्सिमम आपका परफॉर्मेंस अच्छा तो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, एक बार दूसरा तो वीक हो सकता है, कभी कभी आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब इतनी ज्यादा भी नहीं और इतनी कम भी नहीं है तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, ऐसे चैनल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, कभी कभी हमें भी थोड़ा सपोर्ट देना पड़ता है उनको, कोई एक वीक पॉइंट है अगर 11 पॉइंट स्ट्रांग है तो एक किसी पॉइंट के लिए हम सपोर्ट दे सकते हैं, नेसेसरी लीडरशिप स्किल्स नहीं तो उनको किस तरह से डेवलप किया जाएगा, तो इसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। ऑल पॉइंट्स तो सबके पास नहीं होते, बहुत बार मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई इतना स्ट्रांगली वीक भी नहीं है और स्ट्रांगली हाई क्वालिटी का भी नहीं हो सकता, कोई ना कोई स्ट्रांग कोई ना कोई वीक पॉइंट तो हर एक किसी में होता है। सो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, इवैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। Evaluating channels में evaluation and control are two essential ingredients and also final steps in effective management of distribution channel. मेरे पास बहुत सारे channel members हैं जो बहुत अच्छा perform कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनका उनकी quality है, तो मुझे उसमें से कोई एक या दो ही choose करना है, तो कैसे करूँगी, evaluation कैसे किया जाएगा। All FMCG companies like the HUL, Colgate, Nestle regularly evaluate the performance of their channel members. इस तरह से वो evaluation करते हैं। तो evaluation is more commonly done on monthly basis. Evaluation कभी-कभी monthly basis पे किया जाएगा, quarterly basis पे भी होगा। तो जो monthly basis पे किया जाता है, उसमें उन्होंने बताया कि performance evaluation is done on the basis of prescribed standard, task and targets. इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है कि आपका एक स्टैंडर्ड आपने मेंटेन किया हुआ है, वैसे आपका परफॉर्मेंस है, टास्क जो दिया है आपका मैक्सिमम कितना एक्सपेक्टेशन है कि कितना परफॉर्मेंस उस टास्क के लिए, कितना आपका परफॉर्मेंस अच्छा बेटर होना चाहिए, अचीवमेंट किस तरह की होनी चाहिए, टारगेट एरिया दिया हुआ है आप उस टारगेट एरिया के अंदर किस तरह से टारगेट कर रहे हो उस कस्टमर को, वहां तक आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, आपका परफॉर्मेंस किस तरह का है, किस तरह से आप मंथली या क्वार्टरली बेसिस पर कंपनीज क्या करती है, इवैल्यूएशन कर लेती है, ओके ना। तो ये जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है उन्होंने बताया, देखो इसमें ये भी पेज थोड़ा सा ब्लर हो गया। इवैल्यूएशन प्रोसेस हैज टू ऑब्जेक्टिव्स,
see this. First is to assess the performance level of different channel members, okay, to distinguish between good and average performers. गुड के लिए क्या आएगा, एवरेज के लिए क्या आएगा, मतलब क्राइटेरिया जो दिया है ना, टास्क कौन सा दिया था, हमने स्टार्टिंग में देखा ना कि स्टैंडर्ड किस तरह का, प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड क्या कहता है, टारगेट कितना है आपका, आपने कितना अचीव किया, उस तरह से हम गुड और ये जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो निकाल सकते हैं. सेकेंड इसमें बताया कि इवेल्यूशन करते वक्त इक्वली इम्पोर्टेंट इज टू यूज द इवेल्यूशन सिस्टम as a feedback process for continuous improvement through mutual discussion, counseling and motivation. मतलब हमें यहाँ पे feedback process रखनी है. feedback के through भी हम लोग क्या कर सकते हैं, improvement कर सकते हैं, discussion के बाद हम लोग कुछ improvement कर सकते हैं, counseling किया जाएगा कभी कभी channel members को. counseling की बहुत बार जरूरत पड़ती है. देखो कि अगर क्या कह रहा है ना कि आपके जो company के expectations है आपके channel members से, वो अगर कंप्लीट नहीं हो रहे, परफॉर्मेंस बेटर नहीं आ रहा, गुड नहीं आ रहा, तो शायद हमें क्या करना पड़ेगा, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, काउंसलिंग करना पड़ेगा, उसके बाद रिजल्ट्स मिलेंगे. समझ में आ रहा है? और सबसे थर्ड यूनिट का लास्ट पॉइंट हमारा बचा है चैनल कंट्रोल. ये बहुत बहुत जरूरी है. कंट्रोलिंग सिस्टम अगर आपकी वीक है तो चैनल का एक भी ऑपरेशन प्रॉपर नहीं हो सकता. कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है. कोई भी सिस्टम हो, कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसे आपको कंट्रोल करना है. और किस तरह से कंट्रोल किया जाता है वो हम लोग अभी पॉइंट्स के दौरान देखते जाएंगे. उसे देखो, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट. अभी चैनल को कंट्रोल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाएंगे. ये तो ट्रेडिशनल वे है. ट्रेडिशनल वे से हम लोग क्या करते हैं कि पहले से हमें पता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कुछ कंडीशंस रखी जाएंगी कि किस कंडीशन में हमें एक साथ काम करना है या आपका परफॉर्मेंस किस तरह का होगा. तो ये ओल्डेस्ट मेथड है. इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर चैनल मेंबर्स फंक्शनिंग और ऑपरेशंस. मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंटर इनटू अ रिटन एग्रीमेंट. कंपनीज कौन सी चीज पे बिलीव करती है, तो रिटन एग्रीमेंट पे बिलीव करती है. एंड द एग्रीमेंट स्पेसिफाइज डिटेल्स ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द पार्टीज एंड आल्सो द टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस. द मेजर एलिमेंट्स कवर्ड इन द एग्रीमेंट आर एज फॉलोज. कौन से एलिमेंट्स कवर किए जाते हैं एग्रीमेंट के अंदर, मतलब कि क्या रहता है एग्रीमेंट, मतलब एक्चुअली क्या है. आप सब ने मुझसे ही ये सब्जेक्ट सीखा है बिजनेस लॉ फर्स्ट ईयर में, तो आपको इसका भी नॉलेज थोड़ा बहुत तो है. अभी कितना ध्यान में वो नहीं पता है मुझे, लेकिन अभी ये पॉइंट्स देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरह का एग्रीमेंट ये बिजनेस में रहता है. प्रोडक्ट्स हैंडल, किस तरह से प्रोडक्ट को हैंडल करना है. मैंने चैनल मेंबर्स के हाथ में मेरे 100 प्रोडक्ट्स दिए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उसमें से आधे से अधिक तो उसने सप्लाई करते वक्त ही बिगाड़ दिए, तो मेरा कस्टमर क्या सेटिस्फाइड होगा, नहीं होगा ना. तो प्रोडक्ट को हैंडल किस तरह करना है, अगर वो रिस्की है, जॉब रिस्की है आपके लिए, तो अभी से ना बोल दो, एग्रीमेंट मत करो. कुछ लोग बोलते हैं ना, मेरा कुछ भरोसा है नहीं, मैं तो कोशिश करूंगा लेकिन अगर उसमें कुछ खराबी आ गई तो वो रिस्क मैं नहीं उठा सकता, उसका लॉस तो आपको ही उठाना पड़ेगा. गलती से अगर मिस्टेक हो गई, आपको पता है आप सीरियल देखते हो, गलती से मिस्टेक हो गई तो उस तरह का आएगी. तो गलती से भी मिस्टेक या एग्रीमेंट में नहीं करनी है. टेरिटोरीज हैंडल, किस तरह से हैंडलिंग है आपका टेरिटोरीज के लिए. जो टेरिटोरी आपके लिए दी है, जो एरिया आपको दिया है, तो उसे किस तरह से आप हैंडल करोगे. आपका परफॉर्मेंस वहां पे कैसा है. आप लोग बोलोगे कस्टमर देखता ही नहीं, मैं क्या करूँ, मैं तो सब कुछ अप्लाई कर रहा हूँ, प्रमोशन दे रहा हूँ. तो ऐसा हो नहीं सकता. आपके अंदर अगर वो स्किल प्रॉपर है तो शायद आप टेरिटरी को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग आर कैटेगरीज और टाइप्स ऑफ कस्टमर्स. मतलब किस तरह की कैटेगरी आपको दी, कस्टमर का टाइप आपको पता है. सेलिंग प्राइस एंड मार्जिन किस तरह के होंगे, तो यहाँ पे आप गड़बड़ी नहीं करना है. सेलिंग प्राइस क्या बताइए आपको कंपनी ने, उसी तरह से आपको मार्केट में सेल करना है प्रोडक्ट को. मार्जिन कितना होना चाहिए उसके साथ, वो भी फिक्स है एग्रीमेंट के दौरान. सेल्स प्रमोशन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चैनल पार्टनर,
मतलब कि चैनल पार्टनर को कौन सी सेल्स प्रमोशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो किस तरह के प्रमोशन होने चाहिए उसका भी एग्रीमेंट होगा, पेमेंट क्रेडिट मैकेनिज्म दिया जाएगा, क्रेडिट कितना दे सकते हैं, पेमेंट किस तरह का होगा, कैश में होगा या किस तरह का होगा, या इंस्टॉलमेंट पे बेस पे दिया जाएगा या पूरा के पूरा एक साथ दिया जाएगा, पेमेंट की सिस्टम पूरी उसमें एक्सप्लेन की जाएगी, इन्वेंटरी लेवल्स मैनेजमेंट बाय द चैनल पार्टनर। मतलब इन्वेंटरी लेवल मतलब क्या है, इन्वेंटरी में जो प्रोडक्ट्स लिस्ट है आपकी तो उसकी लेवल क्या रहेगी, कितनी वैरायटी आप मैनेज कर सकते हो, एट ए टाइम कितना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो मार्केट में प्रोडक्ट, वो भी डिसाइड किया जाएगा एग्रीमेंट के अंदर। इस तरह से हम कंट्रोल करेंगे, मतलब वो खुद से कुछ भी डिसाइड नहीं करने वाले, हमने वो सारी चीजें उनसे एग्री करवाई है, उस पर साइन लिया है, कॉन्ट्रैक्ट बनवाया, अगर ये इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे रहे तो अभी के अभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाएगा और उसके लिए आपको पनिश भी किया जाएगा कुछ यहाँ पे। ओके, बजट एंड रिपोर्ट्स बनाए जाएंगे कंट्रोलिंग के लिए। रिपोर्ट्स अगर मैं बना रही हूँ, रिपोर्टिंग टाइम टू टाइम ले रही हूँ, मॉनिटरिंग कर रही हूँ, तो शायद इजी है कि कंट्रोल में रखना चैनल मेंबर्स को। तो यहाँ पे प्रॉपर रिपोर्टिंग सिस्टम होना जरूरी है। रिपोर्ट्स कैन बी वीकली, मंथली, क्वार्टरली, रिपोर्ट्स किस तरह के बनाएंगे इसका एक फॉर्मेट दिया जाएगा कि आपको वीकली रिपोर्ट चाहिए, मंथली चाहिए, तो किस तरह का फॉर्मेट है आपका, उससे आपको पता चलेगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है चैनल। Weekly reports can be short and precise, showing immediate results. एक वीक में पता चलता है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि एक वीक के बाद अगर ये रिपोर्ट रहा तो मंथ में क्या परफॉर्मेंस देंगे ये लोग, समझ में आ रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑडिट भी किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑडिट यानी कि इट मीन्स फॉर इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल ऑफ चैनल पार्टनर्स। तो ऑडिट के अंदर फाइनेंशियल ऑडिट की तरह ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑडिट किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑडिट इज सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ एक्टिविटीज। ऑडिटिंग मतलब क्या रहता है कि आपके परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया जाता है कि आप किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हो, आपका टारगेट क्या था, आपके रिजल्ट किस तरह के आ रहे, शॉर्टकट्स तो कोई यूज नहीं ना कर रहा, तो इस तरह से वो ऑपरेशंस को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, उसमें अगर कुछ वीक पॉइंट्स दिखाई देते तो हम इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कंट्रोल कैन बी यूज थ्रू पर्सुएशन और अथॉरिटी, एंड इफ नन ऑफ दिस वर्क कंपनीज में अडॉप्ट द सर्वी कोर्सिव मेथड विच इज ऑलमोस्ट एन एक्सट्रीम स्टेप। And in control process, the use of persuasion and authority is called zone of tolerance. Coercion may lead to intolerance. मुझे कई ठराविक मर्यादे पर्यंत limitations असतात काही, की खराब परफॉर्मन्स असतात त्यामध्ये आणखी किती असू शकतो, एखादा पर्सन वाईट आहे असं पण बोललो तर तो कशा पद्धतीने वळवता येईल, मग त्याच्यावर कोर्शन हा प्रकार नाही चालणार आहे, त्याला काय करावं लागेल, झोन ऑफ टॉलरन्सच्या अंडर तुम्हाला काय करावं लागेल, परसेप्शन्स करावे लागतील आणि त्यानंतर ते ऑडिट केल्यानंतर तुमच्या परफॉर्मन्स मध्ये इम्प्रूव्हमेंट आणावे लागेल। समजते इथपर्यंत? म्हणजे तुम्हाला थर्ड युनिट आपला संपतोय इथे एसडीएम चा, आपण नेक्स्ट लेक्चरला फोर्थ युनिट स्टार्ट करणार आहोत, तत्पूर्वी तुम्हाला क्वेश्चनरी देते, त्यामध्ये ब्रॉड क्वेश्चन दिले 10, ते तुम्ही असाइनमेंट म्हणून सॉल्व करायचे आहे। खूप इझी आहे हा टॉपिक, मला वाटतं तुम्हाला समजलाच असणार आहे, कारण की त्यामध्ये होलसेलर, रिटेलर, चॅनल पार्टनर म्हणून तेच आहे, त्यांचा परफॉर्मन्स कसा आहे, त्यांना सिलेक्शन कसं होतं, कॉन्फ्लिक्ट कसे होतात, रिझोल्युशन कसं होतं, एनी थॉमसचे स्टाईल सांगितले, अकोमोडेशन आहे त्यामध्ये किंवा कोर्शन वगैरे पण एक्सप्लेन केलं, तर हे सगळं खूप खूप इझी आहे, तुम्हाला अडचण येणार नाही। 10 चे 10 क्वेश्चन तुम्ही तुमच्या नोटबुक मध्ये सॉल्व करायचे आणि ग्रुप वर त्याचे आन्सर्स टाकायचे आहे, तुम्ही करायलाच असं समजून मी इथे थांबते आजच्या दिवसासाठी। सो थँक्यू सो मच।